फरमान जो है इसमें तीन चार लोग का रोजगार भी मिलेगा, इसलिए हम बहुत खुश हैं। ऐसा ऐसा डेयरी फार्म बनना चाहिए हम लोगों को बिहार में। अच्छा, इससे मतलब गरीबी और रोजगारी बढ़ेगा और गरीबी दूर हो जाएगा? इससे बिल्कुल सर, रोजगार बढ़ेगा और गरीब दूर होगा। और काफी लोगों को शुद्ध दूध जो डुप्लीकेट दूध से बचाव होगा, कि जैसे दूध में मिलावटी दूध दे देते हैं, दूध उत्पादन होता नहीं है और जनता को तो सब चीज चाहिए, पूरा होना चाहिए उतना, तो उसके लिए उन्होंने डुप्लीकेट दूध बनाना शुरू कर दिया है, खोवा है। इसके जैसे डेयरी फार्म यहाँ पर खोल रहे हैं, इसे दूध ज्यादा मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, इससे लोगों को घर तक पहुँचेगा शुद्ध शुद्ध, तो शरीर के लिए हानिकारी दूर होगा। और ये जो बताते हैं कि जितने जो गाय भैंस है उसमें एक समय में सारे देवता वास के सबसे शुद्ध प्राणी माना गया है गाय को, बिल्कुल सर, हाँ। लेकिन हम उसको शुद्ध लगता नहीं कि रहने देते हैं, गंदगी में बांधते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं देते हैं। सोचना है इसको सर सफाई रखना चाहिए सर, अच्छी से ढंग से इसको पंखा में रखिए, ये मेरा देवता है, इससे मेरा रोजगार बढ़ेगा, लोगों को फायदेमंद होगा, दूध जाएगा, इसको लिए कहा इसको गलत है जूठा खिलाएंगे या खिलाएंगे, इसे सुरक्षित से रखना चाहिए गाय हमारा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में जो खाना खा के जो जूठा बच जाता है वो भी डाल देते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए, बकेट में और उसी को खिलाते हैं, नहीं सोचना चाहिए ऐसा जी, कि उसको हम तोता मानते हैं, फिर उसको जूठा फिर कैसे उसको दूषित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इनकी सोच को देखिए, सलाम करने लायक है और ये अच्छा मतलब जानकारी जानकार हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात को रखा है लोगों के बीच में। और ये आप लोगों के जो सहयोग है इसी के द्वारा ये कार्य निर्माण पूरा होगा, तो ये ऐसा कुछ है जो गांव में जो बेरोजगारी भी दूर होगा और लोगों की जो सोच है वो बदलेगा, एक बदलाव आएगा इसको देख करके। तो दोस्तों आप सभी का इसमें बहुत योगदान है और इस योगदान को सराहा जाएगा समय के साथ, जो मेहनत लगा है वो बेकार नहीं जाएगा, एक बदलाव का जरिया बनना चाहिए। ये इधर गाय वॉकिंग करेगी और है हमारे ओनर हैं जो आ रहे हैं, हमारे चाची घर के सबसे मुखिया हैं और हेड हैं। क्या कहना चाहते हैं चाची, अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें गाय रहेगा, गाय तो ऐसे बहुत लोग ठीक से नहीं करते, गोबर हील में घूमते रहता है, खाना नहीं देते, कुछ कहना चाह रहे हैं कैसे अगर ये अच्छा से रहेगा तो गाय के अंदर देवता वास की दो उनका समय गाय में तो सब देवता है ना, हाँ, बढ़िया कह रखी। और काफी लोगों को इसमें जॉब भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है दूध भी अच्छा मिलेगा, है ना। चलिए, ये थे ओनर, हमारे सबसे मुखिया घर के हेड जो आज बहुत दिन बाद दिखाई दिए हैं, चाची आए हैं और ये देख सकते हैं फ्रंट लोकेशन, ये जो लोहा का एंगल है उसके ऊपर से हम लोग करकट का वो गिराएंगे आगे के साइड में और इधर ऐसे ही इसके ऊपर ढलैया हो जाएगा समथिंग, एक दो ईंटा और जुटने के बाद। और ये सब स्टाफ का बहुत सारा योगदान है जो भी इसमें काम कर रहे हैं, बहुत दिल लगा के काम किए हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ओनर हैं इस डेयरी फार्म के, क्या कहना चाहते हैं फार्मिंग के क्षेत्र में कैसा, जो पहले से जो अनुभव है क्या मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक पैदा कर रहा है सोच को? कर रहा है मतलब काफी बदलाव बिहार में आएगा बहुत बहुत, और इसमें काफी लोगों को आगे आना चाहिए। एक गाय है और ये गाय जो है ठीक ठाक दूध देती है और देख सकते हैं यही एक गाय है, इसी से फार्मिंग की शुरुआत हुई है और आगे बढ़ा जाएगा। अभी ट्रॉली है ये, इस पर बोड़ी लोड करके हम लोग ले जा सकते हैं फार्म के अंदर और से वर्क लोड में काम करने में इजी हो। ये केन है, मिल्क केन, तो ये सिस्टम से मिल्क इसमें भी ज़्यादा टाइम सुरक्षित रहता है बाहर की वातावरण। ये जो है मैनुअल स्क्राइपर, मैनुअल स्क्राइपर मशीन जो है गोबर को कलेक्ट करती है, एक जगह गोबर को जोर करती है मैनुअल स्क्राइपर। और ये जो है ये प्रेशर मशीन है जो
जो प्रेशर पंप है ये देख सकते हैं, पंप जो है वही पानी को प्रेशर, ये इसका मोटर है। कौनसी कंपनी का है जालौर का, ये प्रेशर मशीन है। और ये जो है इसका, ये विधाता ब्राजील का जो JF2D मॉडल चारा कटर एंड ग्राइंडर है, चारा भी काटता है और साथ में ग्राइंडिंग भी करता है, दारा भी धरता है। बहुत ही स्मार्ट मशीन है, बहुत ही फास्ट एक्शन से साइलेज बनाती है, चारा भी काटता है। ये साइलेज पैकिंग किट है, ये इसका हैमर है और साइलेज को पैक करते हैं। और ये गोबर जोर करने वाला, क्या वो करने वाला मशीन है। और ये ट्रॉली है, ट्रॉली है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जिससे गोबर कलेक्ट करके कहीं भी आगे ले जाया जाएगा। और ये IMB टेक्नोलॉजी फ्रांस का ये सीट है। और ये AI गन है जो सीमन देने वाला अभी ना लिया है। ये कंटेनर है सीमेंट रखने वाला। ये सब इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है डेयरी फार्मिंग में। थैंक यू, धन्यवाद।